श्री सुरेश चंद्र के निम्नलिखित तलपट से 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता और उसी दिन का चिट्ठा तैयार कीजिए। इस चिट्ठे को तैयार करने के लिए दिए गए ट्रायल बैलेंस में निम्न जानकारियां दी गई हैं। कैपिटल पूंजी ₹3 लाख, आहरण ड्रॉविंग ₹7,600, क्रय परचेस ₹92,000, विक्रय सेल्स ₹4,800, विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न ₹1,52,000, क्रय वापसी परचेस रिटर्न ₹5,500, स्कंद स्टॉक 1 अप्रैल 2016 ₹14,000, मजदूरी वेजेस ₹10,000, भवन बिल्डिंग ₹2,20,000, गाड़ी भाड़ा फ्रेट एंड कैरेज ₹20,000, व्यापारिक व ट्रेड एक्सपेंसेस ₹5,000, विज्ञापन व एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ₹3,400, ब्याज इंटरेस्ट ₹5,500, कर व बीमा टैक्सेस एंड इंश्योरेंस ₹1,300, विविध देनदार सन्ड्री डेटर्स ₹65,000, विविध लेनदार ₹13,000, प्राप्य विपत्र बिल्स रिसीवेबल ₹16,000, देय विपत्र बिल्स पेबल ₹9,000, बैंक में रोकड़ कैश एट बैंक ₹12,000, कैश इन हैंड हाथ में रोकड़ ₹3,900, वेतन सैलरीज ₹10,000। समायोजन। फर्स्ट, 31 मार्च 2017 को रहतिया ₹18,000 पर मूल्यांकित किया गया। दूसरा, पूर्व दत्त बीमा ₹400। तीसरा, अदत्त व्यय थे वेतन ₹2,000 और कर ₹1,300। चौथा, भवन पर 2% वार्षिक की दर से मूल्यह्रास लगाया गया। ऑन 31 मार्च 2017 क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹18,000। सेकेंड, प्रीपेड इंश्योरेंस वॉज ₹400, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वॉज सैलरी ₹2,000, टैक्सेस ₹1,300। फोर्थ, 2% एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। इस क्वेश्चन में हमको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और उसके बाद हमको इसका बैलेंस शीट भी तैयार करना है और साथ ही साथ हमको समायोजन करते जाना है। तो हम सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट तैयार कर लेंगे और उसके साथ ही साथ हम अगले पेज पे बैलेंस शीट भी तैयार कर लेंगे, यानी बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पॉइंट्स और बैलेंस शीट के पॉइंट्स एक साथ लिखते जाने हैं। हम ट्रायल बैलेंस को सीक्वेंस से देखते जाएंगे, कौन सा पॉइंट कहाँ का है वहां पर हम उसको लिखते जाएंगे, जिससे किसी भी पॉइंट के छूट जाने की संभावना नहीं रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमको समायोजन से संबंधित प्रश्नों को हल करने से पहले ध्यान में रखना होता है कि सबसे पहले हम समायोजन देख लें कि कौन कौन से जो व्यय आए हैं उन पर समायोजन है और उसको हम टिक कर लें पहले। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक तो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हमको अलग से ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं करना है। पूर्वदत्त बीमा है, इसका मतलब है प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस में कहीं ना कहीं कोई एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमको टैक्स एंड इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन में दिया गया उसको हमको हल्का से टिक कर लेते हैं। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए गए हैं, मतलब कुछ एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, कौन कौन से हैं, सैलरी है तो जो ट्रायल बैलेंस में सैलरी दी गई है उसको हम टिक कर लें, कर यानी कि टैक्सेस है उसको हम टिक कर लें, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो बिल्डिंग को हम टिक कर लें। तो हमको ये ध्यान में रहेगा कि किन किन मदों पर हमको एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन करना है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कैपिटल यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल दिया गया है और हम जानते हैं कि कैपिटल हमारा हमारी लायबिलिटी होती है और इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। तो कैपिटल की जो अमाउंट है उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे,
क्योंकि इसमें बहुत सारे बैलेंसेस हमको प्लस या माइनस करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो कैपिटल हम सबसे पहले लिख देंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में इनर कॉलम में ₹3 लाख। उसके बाद दिया गया है आहरण यानी कि ड्रॉइंग। ड्रॉइंग को हमने देखा फॉर्मेट में कि कैपिटल में से हम उसको लेस करते हैं, तो कैपिटल के बाद एक लाइन छोड़कर फिर हम ड्रॉइंग की एंट्री करेंगे, इसलिए क्योंकि अभी हमको कैपिटल में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को प्लस या माइनस करना है। तो हम एक या दो लाइन छोड़कर माइनस ड्रॉइंग लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल के नीचे ₹7,6,000। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है क्रय यानी कि परचेस। अब हमने देखा कि क्रय जो होता है कच्चे माल का क्रय माना जाता है, और इसको हम प्रत्यक्ष व्यय यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हुए ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापार खाते के डेबिट साइड में लिखते हैं। और अगर कहीं पर क्रय वापसी की राशि भी दी गई है तो हम वहां पर माइनस करने के लिए भी थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, जैसे कि हम आगे देख रहे हैं कि क्रय वापसी भी दिया गया है। तो परचेस हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में इनर कॉलम में परचेस, टू परचेस ₹92,000, और इसमें हम माइनस करेंगे परचेस रिटर्न आगे चल के जो हमको मिलेगा यहाँ पर। फिलहाल हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स। तो यहाँ हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाई सेल्स ₹1,52,000, और यहाँ एक लाइन नीचे हम इनर कॉलम में हम लिख रहे हैं इसको अभी पर्टिकुलर वाले पार्ट में, और एक लाइन हम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें हमको सेल्स रिटर्न भी माइनस करना है। तो उसके जस्ट बाद दिया गया है पॉइंट सेल्स रिटर्न 4,800। तो 4,800 को हम 1,52,000 में से माइनस कर देंगे, और बैलेंस अमाउंट जो आती है 1,47,200 वो हम यहाँ पर आउटर कॉलम में लिख देंगे। वैसे ही अब आ गया पॉइंट परचेस रिटर्न। तो परचेस हमने लिखा था, एक लाइन हमने छोड़ दिया था, तो परचेस में से परचेस रिटर्न हम माइनस कर देंगे, और बैलेंस अमाउंट जो आती है 86,500 वो हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। स्टॉक दिया गया है ओपनिंग स्टॉक 14,000, ये हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। वेजेस दी गई है, वेजेस भी प्रत्यक्ष व्यय होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो ये भी हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। फिर दिया गया है बिल्डिंग भवन, और इसमें हमने टिक लगाया है, इससे हमको पता चल जाएगा कि इसमें समायोजन है, तो इसलिए हमने टिक लगाया है कि हमको पता चल जाए समायोजन है और इसको हम इनर कॉलम में लिख दें। तो यहाँ पर बिल्डिंग दी गई है 2,20,000 की, जिसको कि हम एसेट्स में लिखेंगे क्योंकि बिल्डिंग हमारे लिए फिक्स एसेट्स है, और इसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं बिल्डिंग 2,20,000 इनर कॉलम में, यानी पर्टिकुलर कॉलम में ही अभी हम इसको लिखेंगे, बाद में फिर हम इस पे बैलेंस करके बाहर इसको लिखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं हम, फ्राइट दिया हुआ है गाड़ी भाड़ा, इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक प्रकार का डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, टू फ्रेट एंड कैरेज गाड़ी भाड़ा से। और फिर हम देख रहे हैं ट्रेड एक्सपेंसेस। अभी ट्रेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं, सामान्य व्यापार संचालन से संबंधित होते हैं, तो इनको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू ट्रेड एक्सपेंसेस। उसके बाद विज्ञापन व्यय यानी कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिए गए हैं, जो कि एक प्रकार के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, इनको हम लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में लिखते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। फिर दिया गया है इंटरेस्ट। अब क्योंकि इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में दिया गया है यानी कि ये इंटरेस्ट रिसीव है, और इसको क्योंकि ये इनडायरेक्ट है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 5,500 बाय इंटरेस्ट। उसके बाद टैक्स एंड इंश्योरेंस, कर व बीमा दिया गया है। तो क्योंकि हमने देखा कि कर और बीमा दोनों में समायोजन है, तो हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, और ये दोनों ही अप्रत्यक्ष व्यय हैं यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 1,300, और दो लाइन हम यहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि इसमें हमको समायोजन करना है। यही बेनिफिट है हमारे लिए, अगर हम समायोजन के अकॉर्डिंग टिक कर दे अपने क्वेश्चन में तो हमको ये आसानी से पता चल जाता है कि किसमें किसमें एडजस्टमेंट है, उसमें उसको हम इनर कॉलम में लिख सकें, उसके लिए हम जगह छोड़ सकें। उसके बाद दिया गया है विविध देनदार यानी कि सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि ये हमारे लिए एसेट्स है, तो इसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स ₹65,000।
फिर दिया गया है विविध लेनदार, सन्ड्री क्रेडिटर ये हमारे लिए लायबिलिटी है, इसलिए इसको हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। प्राप्य विपत्र दिया गया है, यानी एक ऐसा विपत्र जिस पर हमको धनराशि प्राप्त होगी। अब क्योंकि इस पर हमको धनराशि प्राप्त होगी तो ये हमारे लिए एसेट्स हो गया, तो हम अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे प्राप्य विपत्र बिल्स रिसीवेबल ₹16,000। फिर दिया गया है देय विपत्र, तो देय विपत्र क्योंकि ऐसा विपत्र है जिस पर हमको धनराशि देनी है, बिल्स पेबल है, तो 9,000 हम बिल्स पेबल मानकर, इसको लाइबिलिटी मानकर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। फिर दिया गया है बैंक में रोकड़, कैश एट बैंक, तो बैंक में रोकड़ है यानी हमारे लिए एसेट्स है, तो इसको हम बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे 12,000। हाथ में रोकड़ कैश इन हैंड दिया गया है, तो इसको हमको बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे, ये भी हमारे लिए एसेट्स है। और फिर दी गई है सैलरी, सैलरी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है पहली बात, दूसरी बात ये कि इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए हमने इसमें टिक किया हुआ है, इसको देखते हुए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इनर कॉलम में, पर्टिकुलर कॉलम में ही लिखेंगे इसके अमाउंट को 10,000 को। अब ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट दी गई थी वो हमने जहां पे लिखना चाहिए था वहां हम लिख चुके हैं। अब हमको करना है समायोजन। समायोजन के बारे में जैसे कि हमने देखा कहीं से कहीं पे उस अमाउंट को फिल करना तो कहीं से उसको निकालना, यानी हमेशा हर समायोजन कम से कम दो जगह पर तो होगा ही होगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब आप समायोजन कर रहे हो, जब आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि दो जगह पर उसकी एंट्री होती है ताकि कोई भी पॉइंट छूट ना जाए, और तुरंत के तुरंत दो जगह पर आपको एंट्री कर देनी है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 31 मार्च 2017 को रहतिया ₹18,000 पर मूल्यांकित किया गया, यानी कि ये 18,000 पे इसकी वैल्यूएशन हम कर रहे हैं। डेट यहाँ पर ध्यान देंगे 31 मार्च 2017, यानी क्लोजिंग है ये, तो ये रहतिया जो है अंतिम रहतिया है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक है। और हमने देखा था कि क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में दिया गया है तो उसको हम दो जगह लिखते हैं। कहाँ कहाँ लिखते हैं? एक तो हम इसको लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये हमने लिख दिया 18,000। और दूसरा ये हमारे लिए एसेट्स है, बचा हुआ माल है बना हुआ हमारे फर्म का, तो ये हमारे लिए एसेट्स है, तो इसको हम अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ₹18,000। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने कर लिया। सेकेंड एडजस्टमेंट है पूर्व दत्त बीमा, प्री पेड इंश्योरेंस। तो जैसे कि हमने समायोजन के अंतर्गत देखा वीडियो में कि जब भी कोई भी व्यय पूर्व दत्त होता है तो उसको संबंधित व्यय में से घटा दिया जाता है, क्योंकि ये आगामी वर्ष का व्यय होता है, हमने पहले से ही दे दिया है, तो भाई वो इस वर्ष के व्यय में क्यों जुड़े, इसलिए इसको अभी फिलहाल माइनस कर दिया जाना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि इंश्योरेंस में हमने टिक किया हुआ था, हमको पता चल गया था कि इसमें एडजस्टमेंट है, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने इंश्योरेंस को इनर कॉलम में, यानी कि पर्टिकुलर कॉलम में ही लिखा था, और साथ में हमने दो तीन लाइन यहाँ पर छोड़ भी दी थी। तो अब जब पूर्व दत्त बीमा हमने यहाँ पर देखा कि ट्रेडिंग कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये दिया गया है टू टैक्स एंड इंश्योरेंस 1300, इसमें हमको आउटस्टैंडिंग टैक्स, इसमें हमको प्री पेड एक्सपेंसेस यानी प्री पेड इंश्योरेंस जो है वो माइनस कर देना है। तो जब हम इस 1300 में से 400 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हमको मिल जाता है 900। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं अदत्त व्यय में भी एक कर जो है, टैक्स जो है वो आउटस्टैंडिंग दिया गया है, तो ये जो 900 हमको मिल रहा है इसमें हम 1300 को प्लस कर देंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि हमने सेवाएं तो ले ली हैं लेकिन अभी तक एक्सपेंस हमने नहीं किया है, तो अब हमको उसको क्योंकि एक्सपेंस करना चाहिए था तो यहाँ पर हम उसको जोड़ देंगे, तो टोटल जो अमाउंट आती है 2200 की, अब हम उसको फाइनली आउटर कॉलम में, अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अदत्त व्यय में वेतन बचा हुआ है, तो यहाँ पर हमने वेतन यानी कि सैलरी को पहले से ही इनर कॉलम में लिखा हुआ है, क्योंकि हमने टिक कर लिया था कि इसमें एडजस्टमेंट है, हमको पता चल गया था, तो आउटस्टैंडिंग है इसलिए हमने इसको यहाँ पर प्लस कर दिया है, 10,000 प्लस 2,000 यानी 12,000 हो गया।
और फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भवन पर 2% की दर से मूल्यह्रास लगाया गया, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमको बिल्डिंग पे। अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। हमने पहले ही देख लिया था कि बिल्डिंग पर कोई एडजस्टमेंट है, इसलिए हम उसको एसेट्स में इनर कॉलम में हमने उसको लिखा है बिल्डिंग 2,20,000। इसमें हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन 4,400। तो यहाँ हमको क्योंकि डेप्रिसिएशन है यानी कि जो एसेट्स है उसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई, इसलिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, जिसके बारे में हमने वीडियो में भी काफी अच्छे से समझा है। तो यहाँ पर हम 4,400 माइनस कर देते हैं तो बैलेंस अमाउंट हमको मिलती है 2,15,600। और क्योंकि ये एक प्रकार का लॉस है तो इसको हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी लिखना है 4,400। दूसरी बात, हमने प्रीपेड इंश्योरेंस को माइनस तो किया था एक बार, लेकिन दूसरी भी हमको कहीं ना कहीं उसकी एंट्री करनी चाहिए थी जो हमने नहीं की है। अब क्योंकि ये प्रीपेड इंश्योरेंस है इसलिए हम इसको एसेट्स मानते हुए बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹400। आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमने कहीं नहीं लिखा है, हमने एक बार सिर्फ इसको प्लस किया है। तो अब हम आउटस्टैंडिंग सैलरी को लिख देंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग है वो हमारे लिए लायबिलिटी है, भाई हमने सेवाएं प्राप्त कर ली है और अभी तक हम भुगतान नहीं किए हैं, यानी ये होगी हमारी लायबिलिटी। तो सैलरी को हम लिख लेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2,000। वैसे ही टैक्स भी हमारे लिए आउटस्टैंडिंग है, तो हम आउटस्टैंडिंग टैक्स एक बार तो प्लस कर चुके हैं, लेकिन दोबारा फिर हमको इस 1,300 को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखना है, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस ₹1,300। अब हमने अच्छे से चेक कर लिया है यहाँ पर कि जितनी भी ट्रायल बैलेंस की अमाउंट थी वो हमने फुलफिल कर ली है, इनमें जो एडजस्टमेंट थे सबको हमने दो दो जगह पर उसकी एंट्री कर दी है। अब हम निकालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस। सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 1,65,200, लेकिन डेबिट का टोटल इससे कम लग रहा है। तो 1,65,200 में से हम डेबिट साइड का 14,000, 18,500, 10,000 और 20,000 माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ पर जो बैलेंस मिलेगा 34,700, वो हो जाएगा हमारे लिए ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और 34,700 से हम इसकी एंट्री कर देंगे। और फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि दो चीजें हमको क्रेडिट में मिल गई हैं, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने यहाँ पर ब्रॉट डाउन किया है, और एक हमने यहाँ पर इंटरेस्ट की एंट्री की थी 5,500। तो ये टोटल हो जाता है 40,200। और इसमें से हम डेबिट के बैलेंसेस को माइनस करते जाएं, यानी कि 40,200 माइनस 5,000 माइनस 3,400 माइनस 2,200 माइनस 12,000 माइनस 4,000, तो बैलेंस हमको मिल जाता है 13,200। ये हो जाता है हमारा नेट प्रॉफिट जो कि हम ट्रांसफर करके ले जाते हैं बैलेंस शीट के कैपिटल में। अगर नेट प्रॉफिट शो होता है तो हम इसको प्लस कर देते हैं, और अगर नेट लॉस शो करता है तो हम इसको माइनस कर देते हैं। नेट प्रॉफिट क्योंकि यहाँ पर नेट प्रॉफिट शो कर रहा है इसलिए कैपिटल में हम इसको प्लस कर देंगे। कैपिटल हमने ऑलरेडी यहाँ इनर कॉलम में लिखा हुआ है 3,00,000, इसमें हम प्लस कर देते हैं नेट प्रॉफिट 13,200, तो ये हो जाता है 3,13,200। और इसमें हम माइनस कर देंगे ड्रॉइंग 7,600, तो ये बैलेंस आ जाता है 3,05,600। और अब हम टोटल करके देखते हैं तो हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड का जो टोटल है वो शो हो रहा है 3,30,900 से, और एसेट साइड का जो टोटल है वो शो हो रहा है 3,30,900 से। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है। श्री वेद व्यास के निम्नलिखित तलपट से 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता और उसी दिन का चिट्ठा तैयार कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री वेद व्यास प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट।
ट्रायल बैलेंस पर्टिकुलर्स, क्रय और विक्रय, परचेस एंड सेल, डेबिट अमाउंट रुपीज 2,75,000 एंड क्रेडिट अमाउंट रुपीज 5,20,000, आंतरिक वापसी रिटर्न इनवर्ड डेबिट अमाउंट रुपीज 15,000, बाह्य वापसी रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट अमाउंट रुपीज 9,000, कैरेज डेबिट अमाउंट रुपीज 12,400, वेजेस एंड सैलरी डेबिट अमाउंट रुपीज 58,600, ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट अमाउंट रुपीज 2,200, रेंट क्रेडिट अमाउंट रुपीज 13,000, इंश्योरेंस डेबिट अमाउंट रुपीज 2,000, ऑडिट फीस अंकेक्षण फीस डेबिट अमाउंट रुपीज 1,200, डेटर एंड क्रेडिटर देनदार एवं लेनदार डेबिट अमाउंट रुपीज 1,10,000 एंड क्रेडिट अमाउंट रुपीज 62,100, प्राप्य विपत्र और देय विपत्र बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल डेबिट अमाउंट रुपीज 3,300 एंड क्रेडिट अमाउंट रुपीज 2,200, छपाई और विज्ञापन प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग डेबिट अमाउंट रुपीज 5,500, कमीशन क्रेडिट अमाउंट रुपीज 1,000, प्रारंभिक रहतिया ओपनिंग स्टॉक रुपीज 36,000, हस्तस्थ रोकड़ कैश इन हैंड डेबिट अमाउंट रुपीज 12,800, बैंक में रोकड़ कैश एट बैंक डेबिट अमाउंट रुपीज 26,800, बैंक ऋण बैंक लोन क्रेडिट अमाउंट रुपीज 20,000, ऋण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट अमाउंट रुपीज 1,500, कैपिटल पूंजी क्रेडिट अमाउंट रुपीज 2,00,000, ड्रॉविंग आहरण डेबिट अमाउंट रुपीज 15,000, फिक्स एसेट्स स्थायी संपत्तियां डेबिट अमाउंट रुपीज 3,00,000। समायोजन, पहला वर्ष के अंत में रहतिया 60,000 रुपये, दूसरा स्थायी संपत्तियों पर 10% ह्रास लगाना है, तीसरा 400 रुपये कमीशन के उपार्जित किए गए परंतु प्राप्त नहीं हुए, चौथा किराए के 1,000 रुपये अग्रिम प्राप्त हुए हैं, पांचवा पूंजी पर 8% ब्याज लगाइए और आहरण पर 900 रुपये ब्याज के लगाने हैं। एडजस्टमेंट, फर्स्ट स्टॉक एट द एंड रुपीज 60,000, सेकेंड डेप्रिसिएट फिक्स एसेट्स बाई 10%, थर्ड कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव अमाउंट टू रुपीज 400, फोर्थ रेंट रिसीव इन एडवांस रुपीज 1,000, फिफ्थ अलाउ 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्ज रुपीज 900 एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इस क्वेश्चन में हमको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है और एडजस्टमेंट को भी हमको ध्यान रखना है। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, सबसे पहले हम जो एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन हमको प्रश्न में दिया गया है वो किन किन मदों पर है उसको हम एक बार टिक कर लेंगे, ताकि हम जब ट्रायल बैलेंस से उन मदों को ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में शिफ्ट करें तो हमको पता चल जाए कि इन मदों में एडजस्टमेंट है और उनको हम इनर कॉलम में यानी कि पर्टिकुलर कॉलम में लिख सकें। तो सबसे पहले तो दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि दो जगह पे हमको लिखना है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट्स में। स्थायी संपत्तियों पर 10% ह्रास लगाना, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस है इसमें स्थायी संपत्तियां दी गई है सबसे लास्ट में 3,00,000, इसको हम टिक कर लेते हैं, स्थायी संपत्तियों पर समायोजन है। कमीशन के उपार्जित है, एक्रूड कमीशन है, तो कमीशन यहाँ पर हमको दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, उसमें हम टिक कर लेते हैं। किराए के 1,000 रुपये अग्रिम यानी किराया में कुछ एडजस्टमेंट है उसको हम टिक कर लेते हैं। कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है, ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट लगाना है, तो कैपिटल एंड ड्रॉइंग पे हम टिक कर लेते हैं।
ये हमने जान लिया कि किन किन चीजों पे हमको एडजस्टमेंट करना है। अब हम बनाना शुरू करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक साथ। हम फॉर्मेट बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये जो फॉर्मेट है इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। ऊपर का एक हिस्सा हम अंदाजे के तौर पे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए बना लेते हैं और नीचे का एक हिस्सा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए कर देते हैं। और दूसरे फॉर्मेट में फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रय और विक्रय दिया गया है, परचेस एंड सेल। तो परचेस तो डेबिट होता है हमेशा, हम देखते हैं जब भी हम माल परचेस करते हैं माल हमारे पास आता है इसलिए हम उसको डेबिट करते हैं, और जब भी हम माल सेल करते हैं तो माल हमारे पास से जाता है इसलिए उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो परचेस को हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेस 2,75,000, और इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड भी दिया गया है, यानी कि परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी दिया गया है। तो परचेस को हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू परचेस 2,75,000, और उसके बाद यहीं पर सेल्स भी दिया गया है जो कि क्रेडिट में है 5,20,000। तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल 5,20,000, और इनर कॉलम में लिखेंगे, एक लाइन हम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें भी रिटर्न है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आंतरिक वापसी यानी रिटर्न इनवर्ड, यानी जो माल वापस आया तो कौन सा माल वापस आएगा, वही माल वापस आएगा जो हमने बेचा होगा, यानी कि ये विक्रय वापसी है। तो ये हमको ध्यान रखना है आंतरिक वापसी यानी कि विक्रय वापसी, रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न। और इस सेल्स रिटर्न को 15,000 को हमको सेल्स में से माइनस कर देना है। सेल जो कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है 5,20,000, इसमें से हमको रिटर्न इनवर्ड 15,000 माइनस कर देना है, तो जो बैलेंस अमाउंट आती है 5,05,000, इसको हम अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि बाह्य वापसी दी गई है यानी कि रिटर्न आउटवर्ड दिया गया है। तो रिटर्न आउटवर्ड यानी कि हमने जो माल वापस किया, बाहर गया हमारे पास से जो माल, तो हमारे पास से कौन सा माल जाएगा जो कि हमने कभी परचेस किया होगा, यानी कि ये हमारे लिए परचेस रिटर्न है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको कि परचेस जो है हमने इनर कॉलम में लिखा हुआ था 2,75,000, इसमें हम परचेस रिटर्न माइनस कर देंगे रिटर्न आउटवर्ड 9,000, तो 2,66,000 बैलेंस जो हमको मिलेगा वो हम अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कैरेज ढुलाई यानी कि गाड़ी भाड़ा, डेबिट साइड में दिया गया है। तो क्योंकि ये प्रत्यक्ष व्यय होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसलिए इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे 12,400। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वेजेस एंड सैलरी, क्योंकि पहले वेजेस दिया गया है तो हम इसको वेजेस ही मानेंगे। वेजेस को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैलकुलेट करते हैं और सैलरी को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वेजेस अगर पहले दिया गया है तो हम इसको वेजेस मानते हुए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 58,600 टू वेजेस। नेक्स्ट दिया गया है ट्रेड एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस 2,200। रेंट दिया गया है नेक्स्ट और क्रेडिट में दिया गया है, इसका मतलब है रेंट रिसीव, और इनडायरेक्ट है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय रेंट रिसीव 13,000, और इनर कॉलम में लिखना है, ये हमको याद में रखना है क्योंकि हमने इसमें टिक किया हुआ है। इनर कॉलम में इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसमें टिक किया हुआ है, यानी कि इसमें कोई ना कोई एडजस्टमेंट होगा जो हम आगे चलकर इसमें करने वाले हैं, तो हम इसको शुरू से अभी से इनर कॉलम में लिख देंगे। बीमा यानी कि इंश्योरेंस डेबिट साइड में दिया गया है, एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंश्योरेंस ₹2,000। ऑडिट फीस अंकेक्षण शुल्क जो होती है वो भी एक प्रकार से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है ₹1,200। डेटर एंड क्रेडिटर एक साथ दिया गया है, तो जो डेबिट में है वो डेटर्स है और जो क्रेडिट में है वो क्रेडिटर्स है, क्योंकि डेबिट हमारे एसेट्स होते हैं, उनसे हमको पैसा प्राप्त करना होता है, और जब पैसा हमारे पास आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पर हम 1,10,000 को डेटर्स मानेंगे और 62,100 को क्रेडिटर्स मानेंगे।
डेटर्स हमारे लिए एसेट्स है, तो ये 1,10,000 हम डेटर्स में लिख देंगे, हम बैलेंस शीट में लिख देंगे एसेट साइड डेटर्स 1,10,000, और क्रेडिटर क्योंकि हमारे लिए लाइबिलिटी है तो हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे क्रेडिटर्स 62,100। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, तो बिल्स रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि रिसीव होगा इससे अमाउंट हमको प्राप्त होगा, और बिल्स पेबल क्योंकि हमारे लिए लाइबिलिटी है इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। यानी कि डेबिट में जो दिया है 3,300 उसको हम एसेट्स मानते हुए बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 3,300, और बिल्स पेबल जो कि क्रेडिट साइड में दिया हुआ है 2,200 उसको हम लाइबिलिटी मानते हुए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। छपाई और विज्ञापन प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग 5,500 डेबिट साइड में लिखा गया है, और ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग 5,500। कमीशन दिया गया है 1,000 क्रेडिट में दिया गया है, इसका मतलब है कमीशन हमने रिसीव किया है। दूसरी बात टिक किया हुआ है हमने, यानी कि इसमें कोई ना कोई एडजस्टमेंट है जो हमको आगे चल के एडजस्ट करना है। तो कमीशन क्योंकि क्रेडिट में दिया गया है रिसीव है इनडायरेक्ट है इसलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कमीशन अकाउंट, और इनर कॉलम यानी कि पर्टिकुलर्स में ही हम इस 1,000 को लिख के एक लाइन छोड़ देंगे ताकि हम एडजस्टमेंट कर सकें। ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक रहतिया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 36,000। कैश इन हैंड एसेट्स है हमारे लिए, बैलेंस शीट के एसेट्स में हम लिख देंगे कैश इन हैंड रुपीज 12,800। कैश एट बैंक एसेट्स है हमारे लिए, बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लिख देंगे कैश एट बैंक रुपीज 26,800। बैंक लोन लाइबिलिटी है हमारे लिए, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हम लिख देंगे 20,000। ऋण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट में दिया गया, यानी कि ये इंटरेस्ट वो है जो हमको लोन पे चुकाना है, एक्सपेंस है हमारे लिए, तो इसको हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख देना है इंटरेस्ट ऑन लोन रुपीज 1,500। कैपिटल ये तो हमने देखा कि हमारे लिए लाइबिलिटी है, हम इसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड लिखते हैं कैपिटल, और फिर उसके नीचे दो तीन लाइन हम छोड़ देते हैं, हमेशा हमको छोड़ना है इसलिए क्योंकि कैपिटल में तो कुछ ना कुछ एडजस्ट होगा, जनरली आहरण भी दिया रहता है और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस तो आएगा ही आएगा, तो हमको हमेशा पूंजी के नीचे एक या दो लाइन छोड़ के ही आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आहरण 15,000, क्योंकि हम कैपिटल में से ड्रॉविंग को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हम 2,50,000 में से 15,000 ड्रॉविंग की अमाउंट को माइनस कर देंगे। और फिर नेक्स्ट दी गई है स्थायी संपत्तियां यानी कि फिक्स एसेट्स, हमने देखा था कि फिक्स एसेट्स में कुछ एडजस्टमेंट है तो इसको हम, एक तो ये एसेट्स है तो बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगी, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि ये जो 3,00,000 रुपीज के अमाउंट है इसको हमको अभी इनर कॉलम में ही लिखना है, अमाउंट में नहीं लिखना है क्योंकि हमने इस पे टिक लगाया हुआ है, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं हमको एडजस्टमेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट की जो अलग अलग मदें थी उनको यथास्थान लिख दिया है। अब हम करेंगे इसमें एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया गया है वर्ष के अंत में रहतिया 60,000, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक है 60,000 जो कि हम एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 60,000, और एक बार बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे क्योंकि स्टॉक है उसका बचा हुआ सामान है तो वो उसके लिए स्टॉक होगा एसेट्स होगा, तो बैलेंस शीट के एसेट्स में हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 60,000। सेकेंड एडजस्टमेंट स्थायी संपत्तियों पर 10% ह्रास लगाना है, फिक्स एसेट्स पे हमको 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। फिक्स एसेट्स जो कि हमने बैलेंस शीट के एसेट साइड में इनर कॉलम में लिखा हुआ है 3,00,000, इसका अगर हम 10% कैलकुलेट करते हैं तो हमको 30,000 मिलता है, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन है मशीन की वैल्यू को ये कम करेगा, फिक्स एसेट्स की वैल्यू को ये कम करेगा, यानी कि इसको हमको 3,00,000 में से माइनस कर देना है। यहाँ हम 3,00,000 में से 30,000 माइनस करेंगे और 2,70,000 की अमाउंट को फिर हम अमाउंट कॉलम में लिखेंगे इसके सामने।
अब हमको यहाँ पे देखना है कि एक बार तो हमने एडजस्ट कर दिया, अब इसको कहीं ना कहीं एक जगह और लिखना है। तो क्योंकि एक प्रकार का ये व्यय है हमारे लिए, तो अप्रत्यक्ष व्यय मानते हुए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स ₹30,000। ये दो जगह हमने लिख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। ₹400 कमीशन के उपार्जित किए परंतु प्राप्त नहीं हुए, कमीशन ऑन बट नॉट रिसीव, इसी को हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। उपार्जित यानी काम हमने कर लिया है, अभी तक हमको पैसा नहीं मिला है, तो मिलेगा वो हमको भविष्य में, तो जोड़ के ही चलना है, हम उसको प्लस करके ही चलेंगे। अब हमने जब कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा था 1000, तो हमने उसको इनर कॉलम में लिखा था। अब इसी 1000 में हम ये एक्रूड कमीशन ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, जैसे कि हमने एडजस्टमेंट में भी देखा था। तो यहां पर हम कमीशन के नीचे लिखेंगे अप्राप्त या फिर एक्रूड कमीशन, और अमाउंट के नीचे हम लिखेंगे 400, और टोटल 1400 फिर हम अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। अब एक बार एक जगह और कहीं हमको इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको एडजस्ट करना है इसको, तो इसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे, क्योंकि भविष्य में ये पैसा हमको प्राप्त होगा, कैश हमारी इससे बढ़ने वाली है, यानी कि ये संपत्ति है, तो एक बार हम इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देंगे ₹400 एक्रूड कमीशन। फोर्थ पॉइंट हम देख रहे हैं, किराए के 1000 अग्रिम प्राप्त हुए हैं, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, पहले से मिल गया तो ये हमारी लाइबिलिटी बन गई, भाई हमने पैसा ले लिया है, हमको काम तो इसका करना पड़ेगा। तो ऑन एक्रूड इनकम मानते हुए जो हमने रेंट यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है 13,000, इसमें हमको लेस कर देना होगा, क्योंकि ये एडवांस हमको पहले से ही हमको प्राप्त हो गया है, तो 1000 हम इस 13,000 में से माइनस करेंगे, और बैलेंस अमाउंट 12,000 हम यहाँ पर अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। एक बात तो ये हुई, दूसरा एडजस्टमेंट हम कहाँ करें, क्योंकि हमने एडवांस में रिसीव किया है, अब इसका जो हमको काम करना है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, ये हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाता है, तो एक बार हम इसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखेंगे ऑन एक्रूड कमीशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, पूंजी पर 8% ब्याज और आहरण पर 9% ब्याज लगाना है, तो यहाँ पर हमने बैलेंस शीट में कैपिटल और ड्रॉइंग दोनों पॉइंट्स लिखे गए हैं। अगर हम देखें कैपिटल तो वो है 2,50,000, इस पे अगर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 8% तो हमको 20,000 इंटरेस्ट मिलता है, 2,50,000 इंटू 8% 20,000 हमको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है, तो इस इंटरेस्ट को भी हम इसमें यहाँ पर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो यहाँ पर हम उसको 20,000 ऐड कर देंगे इसमें, ये हो जाएगा 2,70,000, और क्योंकि हमको यहाँ पर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस भी ऐड या लेस करना है, तो एक लाइन हम यहाँ पर छोड़ देंगे, और फिर हम उसके नीचे हमने जो लिखा था लेस ड्रॉइंग 15,000 उस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, तो 15,000 पे यहाँ पर हमको ₹900 ब्याज लगाने हैं, तो वो हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो अब ये ओवरऑल हो जाता है 15,900। अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, जब हम प्लस माइनस करके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे तब हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारे जितने भी एडजस्टमेंट थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले जब हम ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे तो ये जो क्रेडिट साइड है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोटल आ जाता है हमारा 5,65,000, इसमें से हम डेबिट बैलेंसेस माइनस करते जाएंगे 36,000, 2,66,000, 12,400, 58,600, तो ये बैलेंस हो जाता है 1,92,000, जिसको कि हम ग्रॉस प्रॉफिट मान लेते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन करके हम यहाँ पर लिखते हैं, और उसी ग्रॉस प्रॉफिट को फिर हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ₹1,92,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड में हमको टोटल करना है, इसके पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने जब पूंजी पर ब्याज लगाया और आहरण पर ब्याज लगाया तो उसकी एंट्री हमने सिर्फ एक जगह पर की है, यानी कि हमने कैपिटल और ड्रॉइंग में उस इंटरेस्ट को प्लस किया है, लेकिन दूसरी जगह हमने उसको कहीं नहीं लिखा था, तो क्योंकि हमको कैपिटल पे जो हम इंटरेस्ट
है वो हमको देना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। और ड्रॉइंग पे जो इंटरेस्ट है वो हमको प्राप्त होता है, तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 900। अब सारी चीजें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दी है, तो अब हम इसको प्लस करेंगे और टोटल हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल जो है वो क्रेडिट साइड का 2,06,300 है। इसमें से हम डेबिट साइड के सारे अमाउंट को माइनस करते चलें तो हमको बैलेंस मिलता है 1,43,900 जो कि नेट प्रॉफिट कहलाएगा, और इसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट में। ये जो हमको नेट प्रॉफिट मिला वो हमने कैपिटल में जो जगह छोड़ी थी वहां हम इसको फिल कर लेंगे 1,43,900, और टोटल इसका हम बैलेंस निकालते हैं जब हम कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दें, नेट प्रॉफिट ऐड कर दें और ड्रॉविंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को लेस कर दें, तो बैलेंस आ जाता है हमारा 3,98,000। और अब हम इस बैलेंस शीट को यहीं पे क्लोज करें तो यहाँ हम देखते हैं कि एसेट साइड का हमारा जो टोटल है वो है 4,83,300 और लाइबिलिटी साइड का जो टोटल है वो भी है 4,83,300। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट यहाँ पर टैली हो जाती है।